नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, प्रीवियस में हम सभी लोग सुपर टेट की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान का कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि संस्थान के माध्यम से सुपर टेट का टॉप रैंकर बैच शुरू किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में आलोक सर के कुशल निर्देशन में संस्थान ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और छात्रों को एक बड़ी संख्या में सफलता दिलाई है, छात्रों को सफल बनाया है। और इसी कड़ी में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं सुपर टेट के नए बैच की। नए बैच की रूपरेखा, परिचर्चा, समय सारणी इत्यादि के बारे में रवि सर ने आप सभी को अवगत कराया और लगभग सभी कक्षाएं सुपर टेट की चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इतने रिदम से कक्षाएं चल रही हैं कि एक भी क्वेश्चन कहीं से बचने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि सर, जो सुपर टेट का लेवल है वो काफी हल्का होता है, क्वेश्चन वहां से बहुत इजी लेवल पे आते हैं। लेकिन बता दूं मैं आप सभी को दोस्तों, क्वेश्चन कभी भी सुपर टेट में या फिर यूपी टेट या सीटेट में इजी लेवल के नहीं बन रहे इस समय। अगर आप लोग प्रीवियस में कुछ परीक्षाओं को देखिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती की कोई परीक्षा हो, तो वहां क्वेश्चन का जो लेवल है ऐसा पैटर्न है कि वो बिल्कुल बदला हुआ है। पहले हम देखते थे कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन, जिसको कहते थे जीके वाला क्वेश्चन, लेकिन अब जीके का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब सुपर टेट में, यूपी टेट में और सी टेट में ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, जब तक आप अच्छे से व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, किसी टॉपिक के किसी कंटेंट के तह तक नहीं पहुंचेंगे, तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। और छात्रों की इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बिल्कुल उसी पैटर्न पर तैयारी करा रहा है। दोस्तों, हम लोग अपना 100% देंगे आप सभी को। यहां कक्षाएं आपको रूटीन में मिलेंगी, बिल्कुल जो कहा जाएगा वैसे ही किया जाएगा। और सामान्य विज्ञान विषय का हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक इंट्रो दिया था ब्लड के बारे में, ब्लड क्यों जरूरी होता है, रक्त क्यों जरूरी होता है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं दोस्तों बता दूं आप सभी को कि अगर आपको बैच से जुड़ना है, शिक्षक भर्ती के बैच से आपको जुड़ना है या इसमें इनरोल होना है या कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंट्री सुपर टेट लिख करके, एंट्री एस्टेट लिख करके 9125423936 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई और क्वेरी करनी है, हमें कॉल करना है, तो नीचे कुछ नंबर्स स्क्रॉल हो रहे होंगे, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो हम लोग रक्त पढ़ रहे थे, ब्लड पढ़ रहे थे। आपको पता है दोस्तों, मैंने कहा था कि ब्लड क्या है, एक महत्वपूर्ण मूल्यवान अमूल्य द्रव है, और ऐसा द्रव जो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कार्य कराता है कि अगर ब्लड ना हो तो हमारा जीवन असंभव है। सभी जंतुओं के अंदर ब्लड होता है, किसी के अंदर हरा ब्लड है, आपको पता है लिजर्ड में हरा होता है, किसी के अंदर नीला रक्त होता है। क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट की परीक्षा में कि नीला रुधिर किसमें होता है, बता दें आप सभी को, जितने एक्वाटिक होते हैं जैसे कि मोलस्का, इसके अंदर ब्लड कैसा होता है, नीले रंग का होता है। और हमारा ब्लड कैसा होता है, ये रेड कलर का होता है, तिलचट्टे में सफेद होता है। आप देखिएगा केचुए में ब्लड जो होता है वो सफेद और पीले के बीच में होता है। और ब्लड का कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के लेक्चर में बताऊंगा मैं आप सभी को इरिथ्रोसाइट के बारे में और थ्रोम्बोसाइट के बारे में, ल्यूकोसाइट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी के बारे में, हीमोग्लोबिन, आखिर महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है। भाई जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन का एक लेवल होता है हमारे अंदर, हम देखते हैं कि फीमेल में जो हीमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड लेवल है उससे हमेशा हीमोग्लोबिन कम होती है। तो इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप के बारे में, या यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो नेगेटिव पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो नेगेटिव पॉजिटिव किसी को ब्लड दे सकता है। तो बहुत सारे यहां पर पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ब्लड आखिर करता क्या है। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर ब्लड करता क्या है, तो आप देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्लड है, इसका कार्य हमारी बॉडी में क्या है। दोस्तों, हमारे लिए जीवनदायिनी गैस होती है ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच रिएक्शन होता है, जिससे हमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मिलती है। और इसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा को हम लोग अपने हर कार्य यानी पूरे बायोलॉजिकल फंक्शन में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ब्लड का कार्य क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, एक्चुअली हमारा ब्लड ही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, पूरी सेल में पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के जरिए पूरे ब्लड से पूरे बॉडी से बाहर करता है। फिर देखिए टेम्परेचर का कोट कंट्रोल करना, देखिए हमारे ब्लड के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, रुधिर के अंदर कुछ बेकार अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जब ब्लड उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है तो टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है। तो तापमान नियंत्रण या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, यह ब्लड का कार्य है। फिर देखिए आप लोग हार्मोन, आपको पता है हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करने वाले रसायन। तो हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक यानी जिस अंग में उसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने वाला कार्य ब्लड से ही हो पाता है, क्योंकि जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां सीधे ब्लड में जाके खुल जाती हैं। एंजाइम का परिवहन, हमें पता है कि हमारे अंदर पाचन क्रिया होती है, भोजन के ठोस जटिल और अघुलनशील अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तरल सरल और घुलनशील भागों में तोड़ते हैं, तो उसको हम पाचन कहते हैं। और पाचन की क्रिया के लिए डाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल क्या होता है, एंजाइम होता है। और क्या है, खनिज का परिवहन, हमारे विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की नीड होती है, तो मिनरल्स को उस अंग तक ट्रांसपोर्ट करने वाला कार्य किसका होता है, वो ब्लड का होता है। ठीक है, ये इसके फंक्शन है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, हमारे ब्लड में आखिर क्या क्या शामिल है, रक्त हमारा कैसा है, तरल है, जीवित है, कनेक्टिव टिश्यू है, हमने इसके बारे में बात करी थी कल कि ब्लड हमारा क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड की जो स्टैंडर्ड जो एवरेज क्वांटिटी होती है हमारे अंदर वो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, मैंने इसको इसके बारे में बताया था आप सभी को कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। लेकिन हमें जो समझना है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, रक्त में हमारे क्या क्या होता है। तो देखिए पूरे ब्लड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पूरे रुधिर को जो मानव का रक्त है इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक भाग बिल्कुल आपके सामने यहां पर दिख रहा है, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा भाग क्या होता है, ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स को हम रक्त कोशिका कहते हैं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारे ब्लड में प्लाज्मा भाग होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लड कार्पसल्स रक्त कणिकाएं होती हैं। हमें पता है जो प्लाज्मा है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, गाढ़ा है, चिपचिपा होता है, तरल होता है। तो प्लाज्मा गाढ़ा है, पीला है, तरल और चिपचिपा होता है, यहां मैंने चिपचिपा को मेंशन नहीं किया है, तो कैसा होता है, चिपचिपा होता है। तो यहां पर हम कहेंगे तरल और चिपचिपा। यहां पर एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि हमारा प्लाज्मा पीले रंग का होता है, तो प्लाज्मा के अंदर पीला रंग क्यों है, तो देख सकते हैं आप लोग कोलेजन, कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है ना, जैसे कि फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रॉम्बिन है, फाइब्रिन है, ठीक है, हिपेरिन प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन है, एल्बुमिन ग्लोबुमिन प्रोटीन है, वैसे ही कोलेजन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन है। और कोलेजन नामक प्रोटीन के कारण ही हमारे ब्लड जो हमारा प्लाज्मा है वो कैसा होता है, पीला होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके दो भाग है, एक क्या है प्लाज्मा, दूसरा क्या है ब्लड कार्पसल्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा होता है ये निर्जीव भाग होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है हमारे ब्लड का, और ये क्या है, लिविंग पार्ट है, क्योंकि इसमें सेल होती है, ठीक है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये सेल है, ये लिविंग पार्ट होता है और ये होता है नॉन लिविंग पार्ट। तो प्लाज्मा के अंदर भी दो चीजें होती हैं, दो भाग होती है। देखिए पहला भाग क्या है, लिक्विड है, लिक्विड यानी पूछ सकता है कि प्लाज्मा के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर, जल की मात्रा कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछता है कि प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा कितनी है तो आप कह सकते हैं 90 से 92%, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, लगभग 20 से 25 बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एक तो आपने देख लिया क्या है, लिक्विड पार्ट होता है जिसमें कि जल होता है। अब प्लाज्मा के अंदर एक भाग और है जिसको आप देख सकते हैं यहां पर, ये भाग कौन सा है दोस्तों, ये ठोस है, और ठोस भाग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक देखिए इनऑर्गेनिक है यानी इसको कहते हैं अकार्बनिक, तो एक अकार्बनिक भाग होता है,
यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, उसको हम अकार्बनिक कहते हैं। एक भाग क्या है, अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है, जिसमें कि बाइकार्बोनेट। देखिए बाइकार्बोनेट और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ठीक है ना, कार्बोनिल, ये सब ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है लेकिन तब भी उसको हम अकार्बनिक कहते हैं। ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद बाइकार्बोनेट, या दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं साथ ही साथ कार्बोनिल। तो बाइकार्बोनेट होता है इनऑर्गेनिक, ये कहां होता है, हमारे ब्लड में होता है, हमारे प्लाज्मा में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से, कोशिकाओं से, रक्त से बाहर करने में मेन जो भूमिका होती है, मेन रोल इसी का होता है। फिर देखिए दोस्तों, कैल्शियम है, आपको पता है कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी हड्डियों को, दांत को मजबूत करता है, हड्डी और दांत के निर्माण में भी हेल्प करता है। लेकिन कैल्शियम का ब्लड में क्या रोल है, ये ब्लड क्लॉट में भी हेल्प करता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। सोडियम, देखिए सोडियम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैग्नीशियम। ध्यान देना, सोडियम जब बहुत ज्यादा होता है हमारे ब्लड में, तो सोडियम के बहुत अधिक हो जाने पर लीवर क्या करता है, इस सोडियम को या फिर अनावश्यक एमिनो अम्ल को यूरिया में कन्वर्ट करके हमारे किडनी के पास भेजता है, और किडनी पर डे 1 से 1.5 लीटर यूरिन के रूप में उस यूरिया को बॉडी के बाहर कर देती है, जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं। फिर देखिए मैग्नीशियम हमारे ब्लड में होता है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बनिक, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है, पहला इसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है, सॉरी पहला यहां पर क्या है, पहला जो पार्ट है वो है ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है, आपको पता है कि ग्लूकोज को ही हमारा ब्लड एक्सेप्ट करता है। ये ग्लूकोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारा ब्लड एक्सेप्ट करता है, और किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हमारा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता। आपको पता है जब ग्लूकोज अधिक होता है तो लीवर हमारा उस ग्लूकोज को पकड़ करके ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास संचित रखता है। जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनता है, और उसके बाद उससे हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन बनता है पैंक्रियाज ग्लैंड से, और वह इंसुलिन हार्मोन इतना कम हो जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा सडनली क्या होती, बढ़ जाती है, जिससे कि व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। अब यहां सेकंड दोस्तों क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन 7% होता है, 7% होता है, ठीक है ना। प्रोटीन में भी 3 प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन की बात करें तो जो अंडा होता है, अंडे के पीले भाग में, जिसको यॉक बोलते हैं, अंडे के पीले भाग में एल्बुमिन होती है, प्रेजेंट रहती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात हम लोग कर लेते हैं यहां पर। देखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो एंटीबॉडी बनाती है। आपको पता है एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और हमें रोगों से लड़ने में सहायता करता है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यहां लिखा हुआ फाइब्रिनोजेन, और फाइब्रिनोजेन ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड, हमारे बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है। ध्यान देना, हमेशा क्या बोलेंगे, बॉडी के बाहर, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ब्लड कभी रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली हिपेरिन प्रोटीन है जिसका निर्माण हमारा लीवर करता है। लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो लीवर हमारा हिपेरिन प्रोटीन बनाता है जो कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। और हां, बॉडी के बाहर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है कौन, ये फाइब्रिनोजेन है। क्लियर। अब एक पार्ट यहां देखते हैं हम लोग, ब्लड कॉर्पसल्स। देखिए यहां पर ब्लड कॉर्पसल्स का मतलब होता है रुधिर कणिकाएं, हिंदी में इसको हम बोलेंगे रुधिर कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं कहेंगे। रक्त कोशिकाएं कुल मिलाकर के 3 प्रकार की हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसको हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, वह इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, और वो क्या नाम है इसका, इरिथ्रोसाइट पूछा गया है। दूसरी होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। और थर्ड क्या है, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि प्लेटलेट, प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट कराता है। और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। और दोस्तों जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन है, जिसका मेन फंक्शन होता है गैसों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अब देखिए तो पूरे ब्लड का प्लाज्मा कितना है, ये लगभग 55 से 60% होता है। कितना होता है, ये होता है 55 से 60%। और ध्यान देना, जो ब्लड का पसल्स है ये 40 से 45%। अगर इसको हम अपने आप में 100% मान ले, इसको अगर इसको हम 100% कहेंगे, तो इसका 99% क्या होता है, केवल आरबीसी, तभी तो हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और 0.3% क्या होता है, ये होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और 0.7% क्या होता है, प्लेटलेट होता है।
क्लियर, तो इतना हम इसको कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, जिसको हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, आरबीसी से यहां क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, ठीक है ना, या आरबीसी की मात्रा कितनी है मेल और फीमेल के अंदर, अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखिए अगर हम आरबीसी की बात करें तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या बन सकता है कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात, यहां पर निर्माण तो हम बात करेंगे ही, यहां पर उपनाम, अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है पहला क्वेश्चन कि आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले ही बताया था कि आरबीसी का एक नाम हम बता सकते हैं, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। जी हां बिल्कुल, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल पूछ सकता है आपके शिक्षक भर्ती की परीक्षा में। तो इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसको, आरबीसी को हम क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी तरह से भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। अब देखिए, एक तो हमने जान लिया इसका उपनाम क्या है, दूसरा पॉइंट यहां से यह है कि इस आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है ना, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें हम आरबीसी के निर्माण की, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि हमारे हड्डी के बीच में क्या होता है, दो अस्थि मज्जाएं होती हैं, एक रेड बोन मैरो होती है और एक एलो बोन मैरो होती है। एलो बोन मैरो में व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बनते हैं, डब्ल्यूबीसी बनते हैं, और जो आरबीसी होता है वो कहां बनता है, लाल अस्थि मज्जा में। तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनता है, आरबीसी बनता है। और हां अगर पूछता है कि भ्रूण में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उस शिशु में कहां बनता है, तो लीवर में बनता है और स्प्लीन में बनता है, यकृत और प्लीहा में बनता है। फिर निर्माण भी हमने देख लिया, अब पॉइंट्स ये है कि आखिर आरबीसी मरती कहां है, आरबीसी का विनाश किस जगह पर होता है। तो अगर विनाश की बात करें दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पढ़ा गया है कि इसका विनाश होता है प्लीहा में, ठीक है ना, प्लीहा, यानी कि प्लीहा को हम स्प्लीन कहते हैं। और हां बता दें आप सभी को कि आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रस्तान। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का कब्रस्तान क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे आरबीसी का कब्रस्तान क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका स्प्लीन। तो स्प्लीन, जिसको तिल्ली भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं, इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है, स्प्लीन में जाकर के होती है। अब यहां देख लिया हमने उपनाम, निर्माण, विनाश। अब यहां पर अगर विनाश प्लीहा में होता है, फिर जीवन काल कितना है, तो आरबीसी के जीवन काल की बात कर लेते हैं। जीवन काल यानी कितने दिन तक आरबीसी की जो सेल है, लाल रुधिर कोशिकाएं, वो कितने दिन तक जीवित रहती है हमारे ब्लड के अंदर। देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए कम से कम 20 दिन है ना, 20 दिन कम से 120 दिन तक, यानी कि न्यूनतम 20 दिन और अधिकतम 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है हमारे ब्लड के अंदर। और देखिए जीवन काल के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भाई नंबर आप आरबीसी, नंबर आप आरबीसी कितनी होती है, देखो तो नंबर आप आरबीसी की अगर हम बात करें, संख्या मेल और फीमेल में इसकी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ आरबीसी मेल एंड फीमेल में क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट ये कितनी, किस प्रकार से होती है, देखिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ आरबीसी मेल में कितनी होती है, यानी कि पुरुष के अंदर कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं 50 लाख से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यू, यानी घन मिलीमीटर है। और अगर हम बात करें यहीं पर फीमेल के अंदर, महिला के अंदर, तो महिला के अंदर थोड़ी सी कम होती है, वो कितनी होती है, 40 लाख से 45 लाख प्रति मिलीमीटर
क्यों, ये होती है, ठीक है ना। तो उपनाम, निर्माण, विनाश, जीवन काल, संख्या, ये आरबीसी। तो आखिर हमने आरबीसी को मापा कैसे, ठीक है ना, इसकी संख्या को किस यंत्र से मापते हैं। तो जिस यंत्र से मापते हैं ना उसको हम कहते हैं मापक यंत्र। दोस्तों हीमोसाइटोमीटर नाम का एक यंत्र होता है और उसी यंत्र की सहायता से हम आरबीसी के संख्या को माप सकते हैं। देखिए हीमोसाइटोमीटर, देखिए बिल्कुल फैक्ट है सब, और ये सारे फैक्ट्स आपके शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हमको यहां पर देखिए जितने हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं सब लगभग क्या है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ब्लड के बारे में, आपके आरबीसी के बारे में। इतने पॉइंट्स देखे आपने, अब जा यहां पर आपने देख लिया मापक यंत्र हीमोसाइटोमीटर है। अच्छा, इसका जो शेप होता है, आकार होता है आरबीसी का, वो कैसा होता है। देखिए अगर आप आकार की अगर आप बात करेंगे तो ना तो ये गोल होती है, ना तो अवतल होती है, ना तो उत्तल होती है। एक्चुअली क्या होती है, उभयावतल होती है, ठीक है ना, बाइकॉनिकल कह सकते हैं हम लोग। ये कैसी होती है, उभयावतल। तो जो आरबीसी हमारी है उभयावतल इसका आकार होता है, ठीक है, ना तो उत्तल है ना तो अवतल होती है, उभयातल प्रकार की होती है दोस्तों। और ध्यान देना इसका जो मेन फंक्शन हमारी बॉडी में है, तो इसका मेन फंक्शन है, जो इसका मेन कार्य है आरबीसी का, लाल रक्त कोशिकाओं का जो मेन फंक्शन होता है, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर करने वाला जो कार्य है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है लगभग 70% और आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है केवल 23%। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य इसका है, जो मेन इसका फंक्शन होता है, वो फंक्शन इसका यही है कि पूरे बॉडी के अंदर, पूरी सेल के अंदर क्या करना, ये ऑक्सीजन को पहुंचा देना, ठीक है ना, ताकि वहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी बन सके। ये सारे पॉइंट्स किसके बारे में है, ये सारे पॉइंट्स हैं आरबीसी के बारे में। अब यहां पर एक चीज हम देखते हैं, जो हमारा आरबीसी है उसका रंग लाल होता है, ठीक है ना। देखिए तो दोस्तों इसका जो रंग कैसा होता है, लाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए इसका जो रंग है, लाल रंग, लाल रंग, इसका लाल रंग क्यों होता है, जो इसका रेड कलर होता है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से होता है रेड कलर, और उस प्रोटीन का नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो लाल रंग कैसे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है। एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन है HB, इसको हम बोलते हैं। हीमोग्लोबिन कैसी होती है, बैगनी रंग की होती है, यानी बिल्कुल लाल नहीं होती, जिस रंग से मैं लिख रहा हूं इसको इसी कलर की होती है। जो हीमोग्लोबिन है एक्चुअली कैसी होती है, बैगनी होती है, ये कैसी होती है, बैगनी। लेकिन जब हीमोग्लोबिन हमारी क्रिया करती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से जब ये मिलती है ना प्लस HB, तो क्या बनता है, HbO2, तो जाकर के ये कैसी होती है, लाल रंग की होती है। और ध्यान देना अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है हीमस, हीमोग्लोबिन में क्या है, हीमस है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो दो चीजें इसमें होती है, हीमस और ग्लोबिन। हीमस के अंदर देखिए आप, हीमस कितना होता है, ये 5% होता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, कितनी होती है, 95%। जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो एंटीजन बनाती है, एंटीजन का निर्माण करती है। यहां जो हीमस है इसमें क्या होता है, इसमें होता है आयरन, इसमें होता है Fe। तो जब FeO2 बनता है तब जाकर के हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल रंग का होता है। अदरवाइज जो हमारा जो हीमोग्लोबिन पहले कैसी होती है, बैगनी रंग की होती है। लेकिन जब इसमें दोस्तों क्या, इसमें क्या होता है, पहले इसमें होता है आयरन, यानी इसमें होता है Fe होता है। जब ये आयरन अभिक्रिया करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो फेरस ऑक्साइड बनता है, जिससे हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल रंग का हो जाता है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है पहले बैगनी होता है लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल हो जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन के लाल रंग के कारण हमारा ब्लड भी कैसा होता है, वो लाल रंग का होता है। अब यहां पर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कई बार पूछा गया है दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें, अमाउंट
कि हमारे अंदर इसका आइडियल अमाउंट कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन कम रहे या हीमोग्लोबिन अधिक रहे तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं। अगर हम लोग अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें दोस्तों, देखिए अलग अलग में अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि अगर 100 ml ब्लड है, अगर 100 ml ब्लड है तो 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में कितना अमाउंट होता है, ठीक है ना। अगर 100 ml ब्लड है तो 100 ml ब्लड में अमाउंट कितना होता है हीमोग्लोबिन का दोस्तों। तो देखिए सब में अलग अलग होता है। देखिए अगर हम बात करें यहां पर किसी वयस्क में, ठीक है ना, अगर किसी वयस्क की बात की जाए तो वयस्क में हीमोग्लोबिन की मात्रा दूसरी होती है, और अगर हम यहां बात करें किसी महिला में तो महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा दूसरी होती है। वयस्क मतलब, सॉरी इसको पुरुष कहेंगे, बल्कि हम एक पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना है वयस्क पुरुष में, वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग होती है 100 ml रक्त में, और एक शिशु के अंदर, जब शिशु होता है शिशु के अंदर हीमोग्लोबिन की अलग मात्रा होती है, इसको भी आप जानते रहिएगा। अब यहां देखिए अगर हम बात करें कि एक वयस्क में कितनी होती है हीमोग्लोबिन दोस्तों, तो हम कह सकते हैं देखिए 15 ± 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड। दोस्तों अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें 15 ± कितना होगा, 2 होगा। अगर बात करें फीमेल की तो 13 ± 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड, ये एक फीमेल का होता है। और अगर हम लोग बात करें शिशु के अंदर तो 16 ± 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड, यानी कि एक शिशु के अंदर RBC जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो अधिक होती है। यानी शिशु के अंदर क्या होता है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ब्लड वो कितना होता है पुरुष और महिला से अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स था हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स और बन सकते हैं, और बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के चलता है, या फिर सबसे बड़ी हीमोग्लोबिन किसकी होती है। और हां सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर इसी हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाए, अगर इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट हमको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों अब यहां हम बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन के बारे में, तो लाल रुधिर कणिका ये टॉपिक हमारा है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक। देखिए अब यहां हम पढ़ रहे थे हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन का जो आइडियल नंबर होता है बॉडी के अंदर, इसकी जो आदर्श मात्रा होती है, ठीक है ना, आदर्श मात्रा वो कितनी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 11 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड है, अगर इतना हीमोग्लोबिन है 11 ग्राम तो वो क्या है, आइडियल है, आइडियल, यानी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 11 ग्राम है तो। लेकिन अगर 11 ग्राम से कम होती है, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर इससे कम होगी तो कमी से देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर इससे कमी होगी तो होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। हम प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं इसको हम दोस्तों, बोल क्या बोलेंगे, एनीमिया कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, या इसी को हम क्या बोलेंगे, अरक्तता। सब देखिए इसी का नाम है, अरक्तता इसी को बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त छीणता बोलते हैं, रक्त छीणता। ये सारी प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों एक ही है, सबका नाम क्या है, एक ही है, चाहे एनीमिया कहें या उसको हम रक्ताल्पता कहें या उसको रक्त छीणता कहें, तो सारे नाम क्या है, एक ही है, सभी नाम क्या है, एक ही है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये सभी नाम एक हैं, और हम कह सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन के अभाव में तो होता ही होता है, साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के अंदर, अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन B6 कम पड़ जाए, विटामिन B6 या विटामिन B9 कम पड़ जाए, या विटामिन B12 कम पड़ जाए, या किसी व्यक्ति के अंदर अगर आयरन की कमी है, तो अगर इन सारी कमियों के बाद अगर दोस्तों हम देखेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, एनीमिया, अरक्तता,
रक्ताल्पता और रक्तक्षीणता, यही सारी प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो सबसे अधिक क्रिया किससे करता है, यहां अगर बात करें हम लोग रासायनिक क्रिया की, सर्वाधिक रासायनिक क्रिया अगर हीमोग्लोबिन की बात हम करें तो हीमोग्लोबिन सबसे अधिक किस गैस से रासायनिक क्रिया करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों, हमारा हीमोग्लोबिन सबसे अधिक क्रिया किससे करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। आपको पता है कि जो धुआं निकलता है उस धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे जो ईंधन है, अगर ईंधन आधा जला हुआ है तो आधे जले ईंधन से जो धुआं निकलता है उस धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हीमोग्लोबिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करती है तो दोस्तों क्या बनता है, यहां बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारे ब्लड में बढ़ता है, इसके बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन कम होगा तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से दम घुटता है और दम घुटने से व्यक्ति मर जाता है, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोटू गैस कहते हैं। और देखिए आप लोग, इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे अधिक क्रिया किससे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और फिर देखिए किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है। तो सबसे कम जो क्रिया करता है हमारा हीमोग्लोबिन वो किससे कर रहा है, सबसे कम क्रिया करता है ऑक्सीजन गैस से, और सबसे अधिक क्रिया किससे कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोटू गैस इसलिए कहते हैं। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह कितनी ऑक्सीजन को बांधता है, ठीक है ना। अगर अपने हीमोग्लोबिन की बात करें यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को अपने साथ बांध सकता है। लेकिन अगर 100 ml की दोस्तों बात करें तो 100 ml अगर ब्लड है तो 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो दोस्तों लगभग 20 ml हीमोग्लोबिन होता है, 20 ml हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में, ठीक है ना। ये तो रही बेसिक बातें। अब यहां पर एक फैक्ट और बनता है हीमोग्लोबिन के बारे में, फैक्ट ये है आरबीसी के बारे में कि सबसे अधिक आरबीसी और सबसे कम आरबीसी, कम आरबीसी और सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी और सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी। तो अगर हम बात करें दोस्तों सबसे अधिक आरबीसी किसके अंदर होती है, देखिए तो दोस्तों सबसे अधिक आरबीसी होती है ऊंट के अंदर, क्लियर, किसके अंदर, ऊंट के अंदर। और सबसे कम आरबीसी किसके अंदर होती है भैया, तो कुत्ते में होती है या फिर किसमें होती है, मेंढक में होती है। और अगर बात करें हम लोग सबसे बड़ी आरबीसी की, तो दोस्तों एग्फी यूका नामक कछुआ इसमें सबसे बड़ी आरबीसी इसकी होती है। और हां ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे छोटी आरबीसी किसकी, तो कस्तूरी मृग की। सबसे छोटी आरबीसी किसकी, तो कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है, ये हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर कुछ लोग बाद में आए हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आरबीसी का सारे पॉइंट्स बताए मैंने यहां पर। फिर देखिए ब्लड के कंपोजिशन का और इसके फंक्शन का, तो सारे पॉइंट्स यहां पर क्लियर दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपको हमारे शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट की बैच को ज्वाइन करना है, हमारी बैच से जुड़ना है या कोई भी क्वेरी करनी है, तो आप दिए गए इस नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी दोस्तों आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, कड़ी
काएं, क्लियर, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। और आइए देखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स कौन कौन से आगे हमको पढ़ने हैं। दोस्तों ध्यान रहे आप सभी को, यहां पर डब्ल्यूबीसी है, इसका जो उपनाम है इसको हम किस उपनाम से जानते हैं, उपनाम क्या है, या इसका निर्माण कहां होता है, या इसका विनाश कहां पर होता है, विनाश, ठीक है, या फिर संख्या, या फिर जीवन काल, जीवन काल, या फिर कार्य, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हालांकि इसके प्रकार भी कई होते हैं, और प्रकार की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे कि कणिकामय, अकणिकामय, जिसमें कि इओसिनोफिल, ठीक है दोस्तों, या फिर इसमें जो है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, क्लियर, और इसके बाद इसी में होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है ना, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहां पर अगर हम बात करें उपनाम की, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका जो उपनाम है वो क्या है, ल्यूकोसाइट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ध्यान देना आप, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और अगर निर्माण की बात करें तो देखिए जो हमारे हड्डियों के बीच में पीली अस्थि मज्जा होती है, उस पीली अस्थि मज्जा के अंदर, पीली अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनता है, वहां पर बनता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, पीली अस्थि मज्जा में, एलो बोन मैरो में। और अगर विनाश की बात करें, देखिए हमारे ह्यूमन ब्लड में ही, यानी कि मानव रक्त में ही ये मर जाती है, ठीक है ना, उसके बाद लीवर इसको क्या करता है, अलग कर देता है, जब लीवर इसको अलग करता है और किडनी इसको बाहर कर देती है। संख्या दोस्तों, अगर मेल हो या फीमेल, तो संख्या सब में बराबर होती है, ये 5000 से 9000 प्रति मिलीमीटर क्यू है। तो संख्या देखिए इसकी जो है वो कितनी होती है दोस्तों, संख्या इसकी जो है लगभग लगभग सब में समान होती है। जीवन काल हम कहते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन 2 से 4 दिन हम कह सकते हैं कि आइडियल इसका जो है इसकी लाइफ टाइम होती है। ये ऐसी सेल है जो न्यूनतम 2 दिन रहेगी और अधिकतम 4 दिन जीवित रहेगी, हालांकि अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ये आइडियल नंबर है। अगर कार्य की बात करें, तो कार्य का मतलब यह है कि ये जीवाणुओं को मारने वाला कार्य भी करती है, और देखिए साथ ही साथ जीवाणुओं को मारती है लेकिन हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। तो कार्य में हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रणाली का विकास। तो इसका कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, यहां पर मैं बात कर रहा था आप सभी से कि प्रकार की, दोस्तों इसके बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होती है कणिकामय और एक अकणिकामय, यानी एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, एक अग्रेन्युलोसाइट, ठीक है ना। जो कणिकामय होती है उसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है ना। आपको पता है जो इओसिनोफिल होती है वो जीवाणुओं को मारती है, ठीक है ना, या हमारे अंदर जो एलर्जी होती है खत्म करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो न्यूट्रोफिल होती है उसमें उसमें केंद्रक होता है, ठीक है ना। और यहां पर एक होती है बेसोफिल, जो संवेदनशीलता के लिए होती है, एक लिम्फोसाइट, यानी एक होती है अकणिकामय, जो अकणिकामय होती है उसमें कण नहीं होते हैं, तो एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है दोस्तों वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, लेकिन जो मोनोसाइट है वो बड़ी होती है और पूरा वो ट्रेवल करती है, घूमती रहती है पूरा ब्लड में, और ब्लड में घूम घूम कर वो जीवाणुओं को मारती है। यहां पर सुपर टेट की परीक्षा में जो पॉइंट जो आ सकते हैं वो ये है कि अगर डब्ल्यूबीसी किसी की बॉडी में कम हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, और यदि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। देखिए दोनों प्रॉब्लम है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये कम हो जाए, कमी से, तो जाहिर सी बात अगर इसकी कमी होगी या इसकी अधिकता होगी। अगर किसी व्यक्ति में इसकी कमी होगी तो हम कह सकते हैं कि उसका जो इम्यून सिस्टम वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रही है। तो अगर हमारे अंदर अगर डब्ल्यूबीसी घटेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कमी से व्यक्ति बीमार रहता है, व्यक्ति की
रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, कमजोर हो जाती है, इसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो अगर ये कम होगा तो व्यक्ति के अंदर ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, रोगों से नहीं लड़ पाएगा और बहुत जल्दी वह व्यक्ति बीमार हो जाएगा, उसको जल्दी से इंफेक्शन हो जाएगा, जल्दी से उसको एलर्जी हो जाएगी, इसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। और अगर ये अधिक हो जाए तो इसकी अधिकता से क्या हो सकता है, इसकी अधिकता से क्या हो सकता है, अधिकता से, अधिकता से, तो अगर अधिकता से देखें भाई बहुत डेंजर होता है। अगर WBC अधिक हो गया किसी की बॉडी के अंदर तो इसके बढ़ने से देखिए क्या होता है, ल्यूकेमिया। और आपको पता है कि ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकोमिया को हम, ल्यूकेमिया को हम कहते हैं ब्लड कैंसर, बहुत ही घातक बीमारी है ब्लड कैंसर, ये ल्यूकेमिया होता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि इसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बढ़ जाने से व्यक्ति के अंदर ब्लड कैंसर होता है, ठीक है ना। सोडियम 24 से फास्फोरस 32 से इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। पता होगा आपको कि कैंसर जो होता है उसकी चार स्टेज होती है, ठीक है ना। तो सार्कोमास, कार्सिनोमास, ठीक है ना दोस्तों, ल्यूकोमास, लिम्फोमास, चार स्टेज होती है। एक्चुअली जब किसी को कैंसर होता है तो पहली स्टेज में व्यक्ति जान ही नहीं पाता उसको कैंसर है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी स्टेज में क्या होता है, उसके टिश्यू में प्रॉब्लम्स होती है, टिश्यूज के खत्म होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि व्यक्ति को कैंसर है, ब्लड कैंसर है। और थर्ड स्टेज में क्या करता है, वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है, और थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसके बारे में शिक्षक भर्ती में जितने प्रश्न बन सकते हैं मैंने चर्चा करी है उस पर। अब देखिए जो आखिरी ब्लड कॉर्पसल्स है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, आखिरी ब्लड कॉर्पसल्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे रुधिराणु, ठीक है ना, रुधिराणु कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बिंबाणु, ठीक है ना, या इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों, या इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, या इसको हम कहेंगे बिंबाणु, या इसको हम कहेंगे रुधिराणु। जैसे हमने आगे पढ़ा वैसे यहां भी पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट। देखिए अब इसका भी उपनाम है, तो इसको हम किस उपनाम से बुलाते हैं, उपनाम इसका क्या है, ठीक है ना। या फिर देखें आप सभी लोग इसका जो जो इसका निर्माण होता है वो कहां होता है, निर्माण, और निर्माण के बाद इसका विनाश कहां होगा, और उसके बाद विनाश के बाद संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं, और फिर इसके जीवन काल की बात कर लेते हैं, और फाइनली बात करेंगे इसके फंक्शन की कि हमारी बॉडी में आखिर ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखता है, क्या क्या कार्य करता है, हम फाइनली इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आप देखें, देखें आप लोग यहां हम क्या कहेंगे कि जो इसका जो उपनाम है मैंने आपसे पहले बताया था, इसके पहले इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, SSC में 7 बार पूछा गया क्वेश्चन ये, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। और इसका निर्माण जो होता है हमारी दोनों अस्थि मज्जाओं में होता है, तो हम कह सकते हैं कि बोन मैरो में निर्माण इसका कहां होता है, हमारे बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और विनाश की बात करें तो ये भी हमारे मानव रक्त के अंदर ही क्या होता है, मर जाता है मानव रक्त में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो RBC होती है वो प्लीहा में मरती है, तो RBC प्लीहा में मरने के कारण प्लीहा को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, और उसी प्लीहा को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। संख्या की बात करें दोस्तों तो 2 लाख से 3 लाख, ठीक है ना, तो संख्या इसकी होती है 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब इसकी संख्या है। और जीवन काल कितना होता है, 2 से 12 दिन होता है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन 2 से 12 दिन क्या होता है, इसका जीवन काल होता है, ठीक है। अब एक इसका जो कार्य बच रहा है, आपने पढ़ा होगा कि जब व्यक्ति के अंदर डेंगू होता है, डेंगू कैसे होता है, एक मच्छर से होता है, उस मच्छर का नाम क्या है दोस्तों, एडीज एजिप्टाई। तो एडीज एजिप्टाई जिसको हम टाइगर मच्छर कहते हैं, और टाइगर मच्छर से क्या होता है, डेंगू होता है। टाइगर मच्छर जब आपको काटता है तो उससे क्या होता है, डेंगू फैलता है, ठीक है, आपको पता है कि वायरल डिजीज है डेंगू, ठीक है ना। देखिए तो इसमें एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब किसी को डेंगू होगा
तो उस डेंगू का जो वायरस होता है व्यक्ति के प्लेटलेट्स को डाउन करता है, यानी प्लेटलेट सडनली बहुत जल्दी क्या होती है, कम हो जाती है। जब प्लेटलेट कम हो जाती है, क्योंकि देखिए जो प्लेटलेट है वो आपके बॉडी के अंदर जहां जहां पर ब्लड निकलने लायक है हर जगह पर बॉडी के अंदर क्लॉट कराता है ब्लड को, लेकिन जब प्लेटलेट्स कम होगी तो बॉडी में जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, तो हर जगह नाक से, कान से, आंखों से ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो जब डेंगू किसी को होता है तो आखिरी स्टेज में क्या होता है, नाक से, कान से, आंख से ब्लडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है और फाइनली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो जाती है इस कंडीशन में। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। तो देखिए ये ऐसा कारक है जो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों जगह पर क्या करता है, ब्लड क्लॉट कराने में हेल्प करता है, दोनों स्थानों पर रक्त का थक्का बनाता है। तो ये हो गई बात किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया है WBC को, RBC को, प्लेटलेट्स को, और हमने पढ़ लिया फंक्शन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इतने पॉइंट्स पढ़े हम लोग। ध्यान रहे शिक्षक भर्ती का जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल जो ये नोट्स है इसको मैं बनाऊंगा PDFs और इसी को जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए आप लोग यही जो नोट्स रहेगा आपका, यही ऐसे ही PDF रहेगा और यही आपका नोट्स रहेगा, इसको हम ऐसे ही आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले PDF बनाएंगे इसी बोर्ड्स के मटेरियल को, और इसी बोर्ड्स के मटेरियल को आपके पास तुरंत हम सेंड कर देंगे। तो दोस्तों क्लास आपको जैसी भी लगी हो, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। अगर आपको ये लगता है कि आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं तो जो भी नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप संपर्क करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर हमने आपको व्हाट्सएप नंबर के बारे में बताया हुआ है, आप उस पर हमें एंट्री सुपर टेट लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, सारी जानकारी आपको बैच के बारे में मिल जाएंगी। तो दोस्तों बस इतना ही आज के बारे में, फिर मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।